बंद है 22 तारीख से। हमारा माननीय मुख्यमंत्री तो 21 तारीख से लाभ प्राप्त किया हुआ है। उस दिन से पहला बार मैं अपना जिला में परवार जिला में आया हूँ। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि परवार जिला में हर मंत्री को थोड़ा थोड़ा जाके डॉक्टर लोग से, कलेक्टर लोग से, एसपी साहब से, बड़े अधिकारी लोग से, हमारा क्षेत्र जनपद के जल MLA लोग से मैं कल आने वाला था। कल हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी और हमारे प्रभारी बीटेक कैंपस के माध्यम से पूरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष लोगों को, पूरा MLA लोगों को, पूरा मंत्री लोगों को, दिल्ली से सोनिया गांधी का नज़र हमारा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जब से कोरोना लगा है, जो भारत सरकार बाद में गाइडलाइन लागू किया है, उसकी पहले से होली का समय से सबको सतर्क किया है। होली समय कम मनाना है, होली में दूर रहना है। हमारा मुख्यमंत्री साल होली नहीं मना है, उसका गंभीरता से देखते हुए छत्तीसगढ़ में डॉक्टर लोग के, पुलिसकर्मी, कलेक्टर, पूरा जनता, जनप्रतिनिधि सब मिल के आंगनबाड़ी से लेके नर्स से लेके पूरा मदद कर रहे हैं। व्यापारी, मीडिया वाले सब लोग का मदद से पूरा देश, अमेरिका जैसा देश, ताकतवर देश हिल चुका है। हिंदुस्तान में भी अनेक राज्य में, चाहे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरला में, इधर भी बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से, उनके सोच के अनुसार, और यहाँ के जनता, और यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के सब लोग, छत्तीसगढ़िया लोग का नारा है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उसके अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री ने इसका पल पल रात दिन जो जोर लगाया है, बस्तर से लेके सरगुजा तक, महासमुंद, रायपुर, पूरा जगह हमारा अधिकारी सब मिल के इस कोरोना वायरस को, देश को, दुनिया को हिला के रखने वाला को हम लोग काबू पाने में आज तक, आज दिनांक तक हम लोग सक्सेस हुए हैं। हिंदुस्तान का पहला राज है, 10 मरीज आया, अब 1 मरीज बचा है, वो भी जल्दी जाएगा। इसलिए हम लोग, हमारा सरकार जनता सुनाए सरकार है, इसलिए हम लोग आज परवार जिला में कोई मीटिंग वीटिंग नहीं करने आया हूँ। मैं कलेक्टर को यही निर्देश करने आया हूँ, हमारे SP को यही निर्देश करने आया हूँ, हमारे हॉस्पिटल के नर्स लोगों को बधाई देने आया हूँ, इसका हौसला बढ़ाने आया हूँ। ये हम लोग अभी लड़े, अच्छा किए, मुख्यमंत्री का लड़ाई सफल हुआ। इस मार्गदर्शन को आगे भी जिंदा रखना है, आगे भी हमारा छत्तीसगढ़ में बीमारी को घुसने नहीं देना है, इस लड़ाई को सब मिल के लड़ना है। मुख्यमंत्री का आदेश का सबको पालन करना है, जो मुख्यमंत्री आदेश कर रहा है, गाइडलाइन दे रहा है, इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आया हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल देखा, पूरा बेड देखा, हमारे डॉक्टर लोग ने बढ़िया सजा के रखा है, और मरीज तो नहीं है, लेकिन हमारा तैयारी जैसे मुख्यमंत्री होली के समय से चालू किया है, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं पूरा हमारे महासमुंद जिले के SP, कलेक्टर, डॉक्टर, वर्कर्स और जनप्रतिनिधि, हमारे MLA साहब लोगों को, सबको मेरे तरफ तक मीडिया वाले को बधाई देता हूँ। मेरा परवार जिला बहुत अच्छा है, और अच्छा स्थिति में आगे भी जाके अच्छा होगा। अभी शराबबंदी का मामला नहीं है, ये मामला छत्तीसगढ़ का जनता का है, छत्तीसगढ़ का किसान का है, छत्तीसगढ़ का व्यापारी का है, छत्तीसगढ़ का जनता का है। उस मामला को तो हमेशा हम बात करेंगे, बंद होगा नहीं होगा डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन इस बात का भी बधाई देता हूँ। मैं पहला दिन 3 दिन का दारू का बंद किया था, 23 तारीख से 25 तारीख तक, 25 से 31 तारीख तक 5 दिन, उसके बाद 7 दिन, कल फिर 7 दिन बढ़ाया। अभी 14 तारीख के बाद आप लोग से फिर मैं रूबरू होंगे, जनता से राय होंगे, उसके बाद जो आप पूछे हो उस बात को बातें करेंगे,
अर्थ पहले छत्तीसगढ़ का जनता का है, एक कोरोनावायरस द्वारा इसको किस प्रकार से लड़ना है, कैसा लड़ना है, इसको अभी सारे दिया सारे अधिकारी सारे सरकार मुख्यमंत्री से लेके गवर्नर से लेके देश का प्रधानमंत्री से लेके इसमें ध्यान है। पहले कोरोना भगाएंगे, उसके बाद बाकी बात।